नमस्कार, मैं हूं मानसी जायसवाल। जब भी सारे देश मिलकर मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट की सूची में डालने की तैयारी करते हैं, वैसे ही चीन उसे बचाने के लिए अपनी ताकत यानी वीटो का इस्तेमाल कर लेता है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की काली सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिस पर चीन ने बुधवार को रोक लगा दी। आपको बता दें, ये चौथा मौका था जब संयुक्त राष्ट्र से मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव आया था। चीन इससे पहले साल 2016 और 2017 में मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को रोक चुका है। अगर मसूद को इस बार ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता तो उसकी यात्रा पर प्रतिबंध लग जाता और उसकी तमाम संपत्तियों को भी जब्त कर लिया जाता। लेकिन इस बार भी चीन ने ऐसा होने नहीं दिया और अब इस पर सियासी बयानबाजी भी गर्माने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इस मुद्दे पर घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डरते हैं। जब भी चीन भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन नीति पर भी तंज कसा और 3 पॉइंट में समझाया। राहुल ने लिखा कि पीएम गुजरात में शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, दिल्ली में जिनपिंग को गले मिलते हैं, चीन में उनके सामने झुक जाते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव गिरने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान जब तक आतंकी गुटों पर कोई कार्रवाई नहीं करता तब तक उसके साथ किसी तरह की कोई बात नहीं की जाएगी। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। वहीं पूरे भारत में इसे मसूद अजहर को बचाने के लिए पाकिस्तान और चीन की कूटनीतिक चाल बताई जा रही है। कभी मसूद की बीमारी तो कभी मौत को लेकर अफवाहें फैलना और फिर संयुक्त राष्ट्र में मसूद का फिर बच निकलना। इन सब के बाद विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वैसे राहुल के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मैनेज इंडिया।